तो सबसे पहले भाजपा के जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह जी गुर्जर का एक ऑडियो सुनवाते हैं, वायरल है सोशल मीडिया पर, उसके बाद बात करेंगे। सबसे पहले आप ये ऑडियो सुनिए। बिलास जयराम जी की साहब। हाँ बिलास, क्या बात है? अरे साहब, खाल आपको फोन आए तो मैं राजस्थान तो टावर की थोड़ी कोई समस्या हाँ, आ रही होगा। वैसे मैं समझ गया, मैंने आने वैसे समझ गया, मैं बाहर तो तू जी जी तने बिल्कुल अति कर दी आप। कसी साहब, मैंने तू न्यो परेशान नहीं करो, तने मारने जो काम दियो को भूमि उनको लोकार्पण भी प्रिय सिंह से जाकर आए तने। कहाँ करवाए साहब उनसे? मैंने क्यों हुआ, सामुदायिक भवन को लोकार्पण कहीं से करवाए तूने? लोकार्पण ही नहीं करवाया मैंने तो कोई से तो भी। फिर महाराज से कहानी रखे नहीं कार्यक्रम के अंदर आखिरी। फिर रख लेना बिल्कुल आप राख, फिर धूमधाम से राख, जल्दी से बता कार्यक्रम में, तो फिर ठीक नहीं है। मतलब तू न्यू प्रियोसी को लूलो बन के न्यू माँ बेवकूफ समझो माँ लोग आने, मतलब नहीं माँ तो काम दे रहा हूँ उनको लोकार्पण भी प्रियोसी से करा रही, तू शर्म नहीं आ रही भले ही आप नरेंद्र भेज दो, था को तो पूरा फोटो खींच के भेज दू ना तो नहीं? मैंने सब देख लिया, मुझे देख के आया, प्लेगा देख के आया तू? मनरेगा से बाउंड्री बनाई, बाउंड्री बना मैं मनरेगा के प्रियोसी ने दी गई, उनका बाप ने दी गई, तू आने करा काम में। देखो साहब भी तो सेंशन उनने ही करवाई थी। नहीं तो सेंसर कहीं से कहीं मनरेगा से हुई नहीं? भी तो हाँ हुई तो मनरेगा से तो फोन। मनरेगा कोई विधायक नहीं दिया, कहीं सांसद नहीं दिया, कहीं खास से सांसद जी से करा कर, तो सरकार है सांसद जी के, सांसद जी करा तो बात अलग है, पर जब हमारी सरकार है हमारे सामने हमारे मुंह पर एटा तो नहीं दे रही, मतलब तू लेकिन अरे तारी मर्यादा में रही तू, मतलब मान ले ठीक है, तू भगवान ने सर पर बनाया अच्छी बात है, माँ भी सारा कोई अड़ंगल लगा रहे, सारा काम तारे मदद कर बगाने तैयार है, नहीं पर तू तो लगा माँ की नाक काट रही, तू तो यार माँ काम दे रहा हूँ वीर सिंह जी से लोकार्पण करा रही हूँ, नहीं लगा रहे कुछ तो सोच जा रहे चले नहीं यार तू भाई, सरपंच करनी नहीं अपना तू? सामुदायिक भवन को जो मैंने कोई से नहीं तो भी सामुदायिक भवन को करवाया। नहीं, मारे को सुनी बाउंड्री को लोकार्पण कराया तो मैसेज कहीं कर रहे भाई, सब प्रिय सिंह ने ज्योति की बाउंड्री भी प्रिय सिंह जी ने दी, और लोग सामुदायिक भवन भी प्रिय सिंह जी ने दिया, सब प्रिय सिंह जी कहना मेहरबान हो रहे तार ऊपर अटकी लग जाएगी, तो फिर चक्कर लाख तो लगा तो करो वो नांग उनांग। नहीं साहब नहीं सुनो, तो अतरा चरणदास क्यों तो अतरा बता, अब देखो माँ लोग उनका मदद करा रात दिन, मारे मारे सुन, माँ लोग थारा हाथ रहा रात दिन थारी मदद करा, थारा काम हो काली रात थारा कांड हाजिर है, तू जहाँ वहां तैयार है, उनके बावजूद तू वीडियो सिंह जी का रंता बजा रहे हो रात दिन, अच्छो ही तू कांग्रेस में भले मुंह को तकलीफ ही नहीं है, पर अतरा जोर से क्या बजा रहे हो रंता? माँ ने किनारे कर दिया, मतलब माँ को नहीं, माँ को सेहत नहीं, मतलब वहां का है ही नहीं निवासी, मतलब नहीं, बिल्कुल आपको गाँव में मुत्था के लिए तो माँ मैं को भी काम है हाजिर तो है। कहीं नहीं काम में मारे बसू, तने वहां से वहां लेकर तू परेशान करो कोई, मैंने करिया तो आर कहीं तो निरस्त करा सकते तो तुम, हाँ हो जाते। पर मैंने चलो छोड़ो बाप नए नए बने दो पैसों काम मतलब काम करो चलो ठीक है, माँ की तुझे नाक काटती तने माँ तुझे किनारे कर, मैंने क्यों समझ रहे माँ तो तू सही है साहब, है भाई, कहीं तो मर्यादा रखे नहीं माँ की भी, मैं भी जनप्रतिनिधि क्षेत्र का सही है। तो न्यू तारा मन से माँ का इंसान नहीं समझ रही हो आप, रात दिन तारी सेवा में हाजिर है, तू जहाँ खाता यार तू कभी दुख नहीं दो, बड़े फोर भी दुख नहीं दो तुम्हारा नहीं दियो नहीं दियो तो आपकी है। तरफ हाँ से प्रियो तो सिंह जी काम दे, तू खूब ढोल ढमाका बजा के उनका स्वागत कर, पर प्रियो सिंह जी को काम होनी चाहू, सही है। केंद्र में माँ की सरकार, राज्य माँ की सरकार, सब काम माँ को उनका बावजूद तू देता है ढोल ढमाका प्रियो सिंह जी का बजा रही हूँ भाई, माने कहीं करती हो सो बता, नहीं कहीं नहीं करियो आपने तो, कहीं करियो मारो नहीं फिर नहीं तो करा करियो दादा कहीं नहीं करा, अगर तू वही आशीन चाहते तो कोई करा फिर दादा, तो ना तो आपने कहीं करियो ना बीजेपी वाला ने कहीं करियो मारो तो कोई ने फिर भी कहीं बात करते, फिर तो माँ की क्यों नाक काट रहे हो भाई, माँ की कोई बस पार्टी कार्यकर्ता था नहीं कर रहा क्या, बिल्कुल माँ की बेइज्जती कर रही, कितने माँ मने क्यों समझ रहे तुम? नहीं बस मंडल अध्यक्ष जी की तरफ से जरूर मुझे दो चार बार परेशानी आई, पर अब उनकी तरफ से भी कई माँ की तरफ परेशानी से नहीं आ आएगी, रही। नहीं माँ की आपकी तरफ से तरफ आएगी से तो नहीं आई, न्यू आपकी तारी सेवा तरफ माँ जी ने गति बिल्कुल दो घर मान के चले नहीं हमेशा, मान के चले हाँ आप। क्या भाई बंदा कहती तकरार रही है तो विवाद भी तो माने कहीं ठीक है दादा, नहीं की नहीं की आपने, आप भी तारा आते थे यार, पर तो माँ को भी तो मान मर्यादा रखे नहीं यार, बिल्कुल रख लेना साहब जो सामुदायिक भवन काम को ज्ञान सिंह ने लोकार्पण। दियो उन्हें काम है दूसरा से लोकार्पण करा दिया, साहब सामुदायिक भवन को लोकार्पण करवाई ही नहीं अरे तो मैंने। दादा सामुदायिक भवन का दरवाजा को लोकार्पण करा रहे हो तो तू कण को खिला को, भी तो गरीब लोग भी तो भी कहीं जाना है, एससी एसटी का लोग तू वहां के जाके सामने उन्हें आके महिमा मंडित करा रहे हो तू वहां भाई, तू मतलब माँ की भी कोई शब्र की भी कोई इंतहा मतलब माँ की यार, ठीक है साहब, अब रख लेना एक आध दिन कार्यक्रम हाँ तो आप रख बढ़िया करवा। कार्यक्रम रख के बता, मैं फिर कर शानदार तरीके से, हो हाँ बना ले प्लेट हुई हो तारे मार से बात तक नहीं करी भाई साहब, यो पूरा के सामुदायिक भवन कहीं करना हो फिर प्रिय सिंह जी के हाथ मुंह बना ले तो मारे मुंह पे तो खा जा तू हाँ सही है कह रहा था। है भाई, उमा कहीं बात है ठीक है साहब, आना ने भी दियो राणा ने भी दियो साहब, तो ही बोला साहब वो मार तो सरकार दी है, मारे काम भी ले लो साहब मार तो भाई, सही है साहब कुछ तो समझ रखते नहीं यार, सही है। ठीक है तो पता बनाओ पड़ता कार्यक्रम। हो साहब ठीक है। तो अब क्या ही बताएं सर, ये काम का क्रेडिट लेने के लिए भाजपा के जिला अध्यक्ष, देश की सबसे बड़ी पार्टी के जिला अध्यक्ष
एक सरपंच को फोन करने के लिए बोल रहे हैं कि कभी आपकी पंचायत में हमारा कार्यक्रम भी करवाओ। और आपने प्रियव्रत सिंह जी को क्यों बुला लिया भाई, वो तो कांग्रेसी नेता है। अगर कांग्रेसी नेता भी है तो काम तो हमने करवाया ना आपका। ऐसी तमाम सारी चीज़ें जो है मालवी भाषा में परोसी है उस सरपंच को भाजपा के जिला अध्यक्ष जी ने। अब क्या ये इनको शोभा देता है? क्या एक सरपंच को फोन करना एक जिला अध्यक्ष के द्वारा काम के क्रेडिट के लिए शोभा देता है? अब सर मेरी आदत ऐसी है कि मैं मुंह पर सवाल पूछता हूँ, पीठ पीछे कुछ बोलने की आदत है नहीं मेरी। तो कभी ज्ञान सिंह जी इस सवाल के लिए तैयार रहिएगा, कभी इस ऑडियो रिकॉर्डिंग के बारे में कभी आमना सामना हुआ तो आपसे ज़रूर बात करूँगा। अभी तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा आपसे, बस यही कहूँगा कि सर थोड़ा संयम रखिए, बहुत सारी चीज़ें होगी। अभी तो हालत ख़राब है राजगढ़ जिले में भारतीय जनता पार्टी की, तो फिर वो दर्द कैसे सहन करेंगे आप? आपसे एक पंचायत के काम का क्रेडिट का दर्द सहन नहीं हो रहा है तो वो दर्द कैसे सहन करेंगे ज्ञान सिंह जी? तो थोड़ी सी सहनशीलता बचा के रखिए, चुनाव आने वाले और आपको ये सब शोभा नहीं देता है। आप अच्छे नेता है, ज़मीनी स्तर के नेता है, गांव के आदमी है, सबसे बड़ी बात ये है हमसे रिलेट कर पाते हैं, तो आपको ये शोभा नहीं देता है आदरणी। ये सब चीज़ें आपको शोभा नहीं देती है कि आप सरपंच को फ़ोन लगा के डराए धमकाए उससे कुछ बोले, तो ये सब चीज़ें आपको शोभा नहीं देती है ज्ञान सिंह जी। मुझे तो पर्सनली बुरा लगा जब ये ऑडियो मेरे सामने आया, मैंने सोचा भी कि आपको फ़ोन करके एक बार कन्फर्मेशन लूँ, लेकिन सोचा कि कन्फर्मेशन क्या लें अपन, तो वहीं जाकर के जब इंटरव्यू होगा कभी आमना सामना भगवान ने फिर करवाया तो बिल्कुल करेंगे इंटरव्यू। इस ऑडियो के बारे में भी आपसे सवाल पूछूंगा और प्रियव्रत सिंह जी के बारे में जो शब्द आपने नवाजे हैं कि उनके बाप ने थोड़ी करवाया, ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती है, आपकी भाषा को शोभा नहीं देती है। आप अच्छा हिंदी बोल लेते हैं तो हिंदी में बढ़िया लगता है सर, आप इतनी सुंदर हिंदी बोलते हैं, हिंदी मातृभाषा भी है हमारी। और एक काम के क्रेडिट के लिए क्या क्या कर रहे हैं सर आप? एक सरपंच को डरा रहे हैं आप, धमका रहे हैं उसको, बताइए शोभा थोड़ी देता है आपको। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञान सिंह जी, और माफ़ कीजिएगा मुझे लगा मैं ज्ञान सिंह जी के सामने बैठा हूँ, क्या है कि मेरे प्रिय नेता हैं वो भी, तो मेरे बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञान सिंह जी बोल दिया। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद राजगढ़ वालों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना ताकि बीजेपी की काली हकीकत, काम को क्रेडिट, काम का क्रेडिट कैसे लिया जाता है उसकी काली हकीकत लोगों को पता चल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।